हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा रसमलाई रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसे हम कैसे बनाए हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हम मिठाई तैयार किए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का फ्रेंड्स मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लिए हैं आधा लीटर दूध। दूध हमारा बिल्कुल जो है फुल क्रीम वाला दूध है और इसको हम सुबह बॉयल करके लिए थे, रख लिए थे। तो अब इसे हम दूध को पैन में डालते हैं। आप पैन या कढ़ाई किसी चीज़ में भी डाल सकती हैं और दूध को जो है एक बॉयल आने देते हैं। जब दूध में एक उबाल आ जाता है फिर इसे हम आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दूध में हमारे उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। जो ये रेसिपी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया बनकर ये तैयार होगा। आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है। दूध को जो है चलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे और ये मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग दूध जो है निकाल लिए थे पहले से, उसमें से ठंडा दूध हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं कस्टर्ड पाउडर वनीला का। अब इसको हम जो है इसमें 2 चम्मच के लगभग हम ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं इसका फ्लेवर जो है कई फ्लेवर में आता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लिए हैं वनीला फ्लेवर लिए हैं। इससे बहुत ही बढ़िया ये हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं 2 चम्मच के लगभग हम लिए हैं और इसको फ्रेंड्स जब भी आप डालिए तो इसको कच्चे दूध इसे ठंडे दूध में ही घोल के डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल जो है तुरंत जम जाते हैं और इसमें लम्स बन जाता है। इसलिए दूध का टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको घोलकर हम तैयार कर लिए बिल्कुल बढ़िया सा, और इधर हमारा जो है दूध भी बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। तो आप लोग देख सकती हैं कि दूध कितना बढ़िया बिल्कुल रबड़ीदार बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा दूध तैयार हुआ है। तो जितना बढ़िया दूध लीजिएगा फ्रेंड्स उतना ही जल्दी आप लोगों का दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। कम समय में आप बहुत ही बढ़िया सा मिठाई बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है दूध गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम जो ये कस्टर्ड पाउडर का बना कर रखे हैं इसे डाल देते हैं, और डालने के बाद इसे हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करेंगे और इसे हम चलाते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इसे लगातार चलाना रहता है फ्रेंड्स, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है, और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद लगातार चलाइए नहीं तो फिर ये जम जाएगा और बढ़िया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू हम इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं कितना बढ़िया और कितना जल्दी से ये बनकर हो गया है तैयार। तो ये बिल्कुल बढ़िया सा है। 1 मिनट इसे और पकाएंगे, बस इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पे शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ 3 चम्मच ही डाल रहे हैं, बहुत बड़े चम्मच से नहीं, जो मीडियम वाला चम्मच आता है उसी से हम 3 चम्मच इसमें शुगर डाल दिए हैं। और क्योंकि दूध गाढ़ा है तो इसमें मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप शक्कर को बढ़ा भी सकती हैं। तो यहाँ पर हम दूध को रख दिए ठंडा होने के लिए और अब हम इसे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पे ब्रेड का हम 8 स्लाइस लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आज हम रसमलाई बनाने वाले हैं वो बिल्कुल बढ़िया और टेस्टी ब्रेड से बनाने वाले हैं, और ये दिवाली स्पेशल मिठाई आप झटपट बनाकर रेडी कर सकती हैं, और जिसे भी खिलाएँगे फ्रेंड्स ना वो यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे तैयार किया है। वो भी ब्रेड और दूध से बिल्कुल सस्ते बिल्कुल कम सामान में आप इसे बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हम जो है ब्रेड को
कट कर लेंगे और जो ब्राउन वाला है भाग इसके किनारे का, इसे हम निकाल देंगे और यहाँ पे वाइट वाला ले लेंगे। तो हम यहाँ गिलास से कट कर रहे हैं, आप चाहे तो कटोरी से भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम जो है पूरे को कट करके ले लिए हैं, देख सकती हैं। और ये जो ब्रेड का बचा है फ्रेंड्स, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज कर लेंगे। तो इसे हम ब्रेड क्रम बनाने में यूज कर लेंगे, वो काम कर देगा। तो अब इसे हम आगे का शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले से घी रख दिए थे गर्म होने के लिए, घी हमारा गर्म हो गया है। और अब जो यहाँ पर ब्रेड को हम कट करके रखे हैं, इसे हम हल्का सा बिल्कुल इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि इसे डालते हुए हमको फ्राई कर लेना है। तो बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा हम करेंगे। इसका कलर और इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए, बस इतना ही करना है। तो एक एक करके हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं फ्राई। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद दिला दे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा ये सभी हो गया है ब्रेड स्लाइस। अब हम जो है रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। तो इसे फ्रेंड आप जब भी किसी को दीजिए, सर्व कीजिए, तो इसे उसी समय ये बना के देना है। बहुत ही बढ़िया सा ये झटपट आप बना के इसे दे सकती हैं। तो यहाँ पे हम जो है ब्रेड को एक एक करके रखेंगे, जो यहाँ पे हम कट करके रखे हैं फ्राई करके। तो यहाँ पर देख सकती हैं, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स बनाना, और खाने में उतना ही टेस्टी है। बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही बढ़िया सा ये है। अब जो यहाँ पर दूध हम गाढ़ा करके रखे हैं, इसको दूध से बिल्कुल हमें मलाई से इसे को कवर कर लेना है, चारों तरफ से बिल्कुल हम इसे कवर कर लेंगे, पैक कर देंगे इसे। फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अगर फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दीजिए ठंडा होने के लिए और उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए ना, तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, इसका स्वाद और भी बढ़ जाने वाला है। ये इतना बढ़िया बनकर तैयार होने वाला है। तो इसको हम सभी को इसके ऊपर से ऐसे लगा लेंगे, मलाई को जो यहाँ दूध गाढ़ा किए हैं, और उसे लगाते हुए जो है चारों तरफ से बिल्कुल इसको हम लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल बढ़िया सा। तो ये देख सकती हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि ये देखने से आपको ये क्या लग रहा है कि ये जो है बाहर का ही मिठाई है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लिए हैं कोकोनट जो पाउडर आता है, उसे लिए हैं थोड़ा सा, और इसे हम ये रेडीमेड है, आप चाहे तो घर पे भी नारियल को जो है कद्दूकस करके उसके ऊपर से डाल सकती हैं। तो ये इतना बढ़िया सा देख सकती हैं फ्रेंड्स, तैयार हो गया मेरा रसमलाई। तो आप लोगों को फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दिवाली के शुभ अवसर पर वो लोग भी ये मिठाई को बना सके कम समय में, कम खर्चे में। तो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना बढ़िया और टेस्टी सा ये लग रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।